क्या दोस्तों आपका भी MI का मोबाइल है बार बार हैंग कर जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि मेरा MI का फोन बार बार हैंग कर जाता है, लैग कर जाता है, कभी कभी तो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, हीटिंग पकड़ जाता है? तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो कम्प्लीटली, तो आपके MI का कौन सा भी फोन हो आपके पास, उसमें जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो 100% कभी भी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, कभी भी नहीं होगी, कोई भी नहीं दिक्कत आएगी, ना हीटिंग पकड़ेगा ना गर्म होगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मैं हूं इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की जानकारी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको किस तरीके से आप कोई भी MI का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और बार बार वो हैंग कर रहा है, ठीक है, हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन मैं पक्का इस वीडियो में लेके आ चुका हूं। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो भी MI का फोन है उसमें जो कवर लगा हुआ है, ठीक है, जो भी कवर लगा है वो कवर आपको हटा देना है, इससे भी हैंगिंग होती है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप कभी भी मोबाइल को चार्ज करते समय नहीं चलाएंगे, ठीक है, नंबर दो तरीका ये है। नंबर तीन तरीका क्या है, जब आप चार्ज भी करते हैं और कान में वो भी लगा लेते हैं एयरफोन, उससे भी दिक्कत आती है, ठीक है, ये सब करने के बाद, ठीक है। अब कि और भी क्या तरीका है, अब दोस्तों बैकग्राउंड में जो भी फालतू के ऐप होते हैं, ठीक है, जो भी फालतू के ऐप रन करते रहते हैं उन्हें आपको बैकग्राउंड से हटा देना होगा, ठीक है, उन्हें बैकग्राउंड से आपको क्या करना है, हटा देना होगा सबसे पहले, ठीक है, उसे हटाएंगे। नेक्स्ट तरीका क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चला जाऊंगा, ठीक है, बस आपको कर लेना होगा, जो भी आपके में काम करके वो पक्का सही ही होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपको सिंपल से जाना है मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग में जाओगे तो सबसे पहले आपको लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना है। लॉक स्क्रीन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा राइज टू बैक, इस तरीके से ये ऑन होगा, ऐसे बंद करना है। डबल टैप टू स्क्रीन टू ये किस तरीके से, ये देखो ऑन होगा, इस पर बंद करना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये देखो वे लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ऐसे आपको बंद कर देना, ठीक है, इस तरीके से। ग्लास फॉर मी पे क्लिक करेंगे ये इस तरीके से आपकी ऑन होगी, ठीक है, इसे आपको भी इससे सबसे पहले नीचे बंद करेंगे उसके बाद ऊपर बंद करेंगे, ठीक है, इस तरीके से मैंने बंद कर दिया, ठीक। नेक्स्ट नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली मैंने यहाँ पे बता दिया, ये करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक, यहाँ से बाहर निकलोगे। अब नेक्स्ट तरीका क्या है, आपको MI की फोन में एक ऐप मिलता है जिसका नाम है थीम्स, ठीक है, उस पर ऐप पे क्लिक करना है, आपके MI की फोन में मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से दोस्तों माई पेज पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करना है। थीम्स पे क्लिक करेंगे जो भी मोबाइल के साथ की थीम्स है वही आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी होगी, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप ये वाले ही, ठीक। और आपको क्या करना है, जो भी फॉन्ट स्टाइल आपने लगा रखी है वो भी आपको हटा देनी है, जो मोबाइल के साथ आई थी वही रखनी है, ठीक है, इस तरीके से ये करने के बाद, ठीक है, ये करना है। उसके बाद जितने भी फालतू के ऐप आपके फोन में हो, ठीक है, उन्हें आपको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और बस लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐप इनपो भी जाएंगे, ऐप इनपो भी जाएंगे तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ मिलेगा अनइंस्टॉल, ठीक है, इसे अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरीके से, यहाँ अनइंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या करना, सिंपल से आपको मोबाइल की सेटिंग में फिर से जाना होगा। मोबाइल की सेटिंग में जाओगे तो नीचे की ऊपर की तरफ ही रहना है, ठीक है, अबाउट फोन मिलेगा, अबाउट फोन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा MIUI वर्जन, इस पे आपको 7 से 8 बार टैप करेंगे और आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, डेवलपर ऑप्शन आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग में, ठीक है, ये एप्स के पास मिलती है, इस पे आपको टैप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे टैप कर दिया। अब आपको क्या करना है, एडिशनल सेटिंग के जस्ट नीचे क्लिक करके दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल से डेवलपर ऑप्शन पर टैप करना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से टैप करेंगे तो आपको जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके इसे नीचे की तरफ चलते आना है, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है, जैसे लिखा है मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिवेट, इस तरीके से इसे आपको बंद कर देना, ठीक है, आप नीचे की तरफ चलते आएंगे, चलते आएंगे, चलते आएंगे, इस तरीके से यहाँ पे आपको और भी सेटिंग मिलेंगी जो आपको कर लेनी हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज इस तरह एनिमेशन आपको 3 तरीके के मिलते हैं, ठीक है, इसमें आपको एनिमेशन को एक पे रखना है, ठीक है, इस तरीके से मैं एक पे रखे हुए हूँ, आपको भी एक पे रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब नीचे की तरफ आपको चलते जाना है तो यहाँ पे आपको ऐप्स का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे डोंट कीप एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलेगा, उसे आपको बंद ही रखना है, ठीक है। बैकग्राउंड डाटा प्रोसेसर लिमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लिमिट ही रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए,
जाए, आपको कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन आपको नहीं सुनना है, आपको बैकग्राउंड स्टैंडर्ड यहाँ पे लिमिट ही रखनी है, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ऑलवेज शो क्रैश, इस तरीके से ये आपको बंद रखना है, ठीक है। नीचे की तरफ आप चलते आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों ऑप्शन नीचे की तरफ आपको मिलेंगे, ये आपको ऑन ही रखना है, ठीक है। अब आपको इससे बाहर निकलना है, इससे बाहर आप निकलेंगे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डिस्प्ले साइज आपको नॉर्मल ही रखना है, ठीक है, नॉर्मल, इस तरीके से नॉर्मल रखेंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चलते जाना है, यहाँ पे आपको क्या है, ऑटो रोटेट स्क्रीन, ये इस तरीके से आपको बंद कर देनी होगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। अब स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली, ये आपको ऑटोमेटिकली रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक करके आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ से बाहर निकलना है। अब बाहर निकलने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से बाहर निकलेंगे, अब आपको जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाएंगे, जितने फालतू के एप्लीकेशन है, सॉरी फालतू के एप्लीकेशन तो नहीं, जितने फालतू के इमेज हैं यहाँ पे, जितने फालतू के वीडियो हैं यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जितने फालतू के हैं, ठीक है, म्यूजिक जितने फालतू के हैं, इन्हें आपको यहाँ से हटा देना होगा, डिलीट कर देना होगा, ठीक है। जब आप डिलीट कर देंगे स्टोरेज खाली हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से स्टोरेज खाली कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे, आपको कोई भी परेशानी हैंगिंग प्रॉब्लम की नहीं आएगी MI के स्मार्टफोन में, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। तो दोस्तों आसानी से अगर आप ये नियम फॉलो करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 110% में गारंटी देता हूँ। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके आपके लिए, विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।